तो दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट राहुल और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड बाइक काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छी बाइक है और इस बाइक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। थंडरबर्ड वैसे काफ़ी मुझे भी पर्सनली उसका लुक बहुत अच्छा लगता है, उसका जो हैंडल है ना वो काफ़ी मेरे को अट्रैक्टिव लगता है उसकी बाइक का। तो इस बाइक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, देखो इस बाइक के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है गियर शिफ्टिंग की। अभी तक आपने देखा होगा रॉयल एनफील्ड की मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उन सभी वीडियो के अंदर गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है। पहली गियर शिफ्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा क्या आ रहा है, थोड़ा बहुत बॉडी बैलेंस का फ़र्क आ रहा है, जैसे कि अगर उस बाइक से कॉर्नरिंग करने का सोचते, वैसे तो वो बाइक खैर कॉर्नरिंग के लिए है ही नहीं, अगर मैं साफ साफ बताऊं तो वो कॉर्नरिंग करने के लिए है ही नहीं वो बाइक, लेकिन फिर भी कॉर्नरिंग करते तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो हाई रहता है ना वो लो हो जाता है उसके लिए। और तीसरा जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है थोड़ा सा एवरेज का, एवरेज 350 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम एवरेज दे रहा है, मतलब 350 सीसी के इंजन के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा एवरेज कम आ रहा है। वैसे बुलेट वालों को एवरेज की कोई दिक्कत पड़ती नहीं है क्योंकि बुलेट लोग लेते ही इसलिए कि मतलब ढाड़ बाट एवरेज की तो खैर कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो एक ये चीज़, और जो एक और प्रॉब्लम जो आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है कि इसके अंदर पिकअप की प्रॉब्लम। देखो बुलेट जो है वो एक तरीके से एक काफ़ी अच्छी खासी बाइक है, लेकिन इस बाइक के अंदर थोड़ा सा आ रहा है 350 के हिसाब से कि पिकअप प्रॉब्लम है। अब मेरे एक दोस्त के पास ये थी 350 है, लेकिन उसी ने अपने किसी दोस्त से, उस दोस्त को मैं नहीं जानता, तो उसी के अपने किसी दोस्त ने उसने CBR से वो थोड़ा सा CBR को चला के देखा, तो CBR के अंदर काफ़ी अच्छा खासा पिकअप था। लेकिन यार CBR तो खैर बात ही, बाइक ही अलग है होंडा की, तो वो तो खैर बाइक ही एक अलग ही लेवल की बाइक है, वो तो हाई रेसिंग ट्रैक की बाइक। तो ये था थोड़ा सा उसको पिकअप में उसको लगा कि यार इस बाइक का भी इंजन इतना, तो पिकअप का प्रॉब्लम आया। तो यही था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और हाँ सॉरी, जो उसकी थी वो CBR जो थी वो 250 थी, सॉरी 350 का ना 250, 100 सीसी के ज़्यादा होने के बाद वो क्या था कि मुझे पिकअप में थोड़ा सा लगा कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो करना वो करो, लेकिन हमारे दिमाग मत खराब करो क्योंकि हमारे पास इतना दिमाग नहीं है कि हम खराब करने दें। ओके बाय।